तो अभी चलिए घर का काम काज निपटा के आ गए हैं खेत पे। तो अभी इसमें ग्रास है, मूंगफली में तो निकालना है, तो अभी वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी देर ज़्यादा करेंगे उतनी धूप भी बढ़ेगी। थोड़ी थोड़ी है धूप, इसलिए आज आग पाए हैं, वरना तो बहुत सारा आजकल देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ मेघ राजा आ ही रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ा बहुत है तो कर लेते हैं। तो अभी पानी पीना है तो पानी लेने आई हूँ। और देखिए ये मोज है ना, ये कहीं पैसे देकर भी नहीं मिलती है, जो यहाँ खेत में मिलती है। तो देखिए हमारी मूंगफली भी थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ। और देखिए वहाँ पे है विजय जहाँ मुझे पानी लेके जाना है, और ये है पूरी की पूरी हमारी मूंगफली देखिए। और ये पास वाले खेत में तो अभी भी पानी ही है, जरा नज़दीक से दिखा देती हूँ देखिए बारिश की वजह से। फार्मिंग का काम थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन मज़ा भी इतना आता है कि पूछिए हिम्मत, क्योंकि ये काम दूसरे काम से थोड़ा अलग होता है, हार्ड वर्किंग होता है नो डाउट, लेकिन फिर भी ये थोड़ी धूप थोड़ी छांव में काम करना अच्छा लगता है। तो चलिए अभी देखिए पानी पीने का ब्रेक है, और विजय देखिए ये मूंगफली को गद्दी बना दिया है बैठे रहने के। अभी हाथ भी इससे धोया जाएगा और पानी भी यही, वाह। अभी बादल देखिए, ये है रास्ता भणवर जाने का। अभी कोई वाहन नहीं निकल रहा, नहीं तो पता चल जाता आपको। अभी देखिए निकला, एक बाइक निकली, अभी दूसरी दो भी निकलेगी देखिए बारी बारी। अभी तो आपको पता चल गया है कि ये सामने है वो रास्ता है, कोई झाड़ी नहीं है। तो अभी मैंने और विजय ने पानी पीने के ब्रेक के बाद अभी काम स्टार्ट कर दिया है फिर से, क्योंकि जो हमारे लास्ट वाले जो लाइन्स होते हैं ना मूंगफली के, उसमें कुछ ज़्यादा ही ग्रास रहती है, तो उसमें देरी भी कुछ ज़्यादा ही लगती है निकालने में। तो अभी इसलिए हमने लास्ट की दो वाली है वो निकाल रहे हैं, बाकी सब तो क्लीन हो गया है। तो धीरे धीरे से ही ये पूरा क्लीन होगा, क्योंकि साइड में कुछ ज़्यादा ग्रास होती है, और ये हमारी जो मूंगफली की लाइन है उसमें बीच में भी रहती है साइड में भी, तो सारा कुछ क्लीन करना पड़ता है, वरना तो क्या है ना कि मूंगफली कम और ग्रास ज़्यादा दिखाई देगी, तो मूंगफली में कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो ये सब धीरे 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 करते करते कब दोपहर हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। और जो कोई भी फार्मर्स हैं उन्हें तो पता ही है कि कैसे उठक बैठक हो जाती है, अगर कुछ ग्रास नहीं है तो सीधे ही चलते जाओ, वरना तो ज़्यादा है तो बैठ कर भी लेना पड़ता है, तो उठक बैठक चलती ही रहती है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस काम में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, क्योंकि जिम जाना नहीं पड़ेगा, आपका तंदुरुस्त शरीर रहेगा, और खाना भी डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, उसके लिए कोई गोलियाँ नहीं लेनी पड़ती है। तो ये सब फायदे भी हैं फार्मिंग के काम के। तो ये सब करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पता नहीं कब धूप निकल जाती है कब बारिश आ जाती है इसमें भी, क्योंकि आज मैं और विजय दोनों ही थे, वरना तो रणजीत भी होता है, लेकिन रणजीत का कॉलेज स्टार्ट हो गया था तो वो नहीं आया है। हम दोनों ने सोचा कि अकेले ये थोड़ा बहुत है तो कर लेते हैं। और ये देखिए कांटेदार ग्रास है जो हाथ में भी लग सकते हैं, तो इसको इस तरह सेफली नीचे रख देते हैं। तो अभी देखिए इतनी देर में तो बारिश आने स्टार्ट हो गई, यहाँ धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, लेकिन स्टार्ट शुरू हुई है। देखिए ये धूप थी वो चल गई और धीरे धीरे से आ रही है।
अभी दोपहर हो गई है तो घर जा रहे थे, तो रास्ते में ही बहुत सारा पानी मिला तो हमारे पैर हाथ दोनों ही बहुत ही गंदे भरे हुए थे, तो उसको रास्ते में ही हमने धो लिया। नीव और बाप बेटे दोनों कुछ कर रहे हैं आज। नीव, तुम्हारे पापा क्या ड्राइंग सिखा रहे हैं? ये देखा जाए क्या हो रहा है। नीव की ड्राइंग कंपटीशन है और देखिए विजय है ना, नीव को गोवाड़िया बनाना सिखा रहे हैं। अभी विजय का अद्भुत गोवाड़िया देखिए, आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, ऐसा जोरदार गोवाड़िया बनाया हुआ है। अभी देखिए कलाकारी की भी एक हद है, इसे विजय ने पार कर दिया है। आप देखते ही रह जाओगे, ऐसा जोरदार वाला गोवाड़िया है। ये इसकी भेंट तो देखिए कितनी जोरदार है। अभी देख ही लीजिए कि कैसा है हमारा गोवाड़िया, अभी अद्भुत अद्वितीय, और नहीं भी ऐसा बनाने की ट्राई कर ही रहा है। तो अभी हमारे फूल के भैया को आ गया है बुखार, तो अभी आज ड्राइंग कंपटीशन भी हमारा तो रद्द हो गया, एग्जाम रद्द हो गई। अचानक से हमारे भोलीराम को ताव आ गया है, तो अभी दवाई लेने जाना है। अभी विजय देखिए हमारे कुएं को साफ कर रहे हैं, दूसरे दिन बहुत ही अच्छी वाली धूप निकली थी तो नीव को हॉस्पिटल ले जाने के बाद इसमें साफ सफाई अभियान चल रहा है। वैसे देखिए हमारी जो बड़वाई हम बोलते हैं वो कितनी कुएं तक आ गई है, तो इसका कचरा जम ही जाता है। जब पूरी ये हमारी कुआ, हम वाव बोलते हैं लेकिन कुआ है, वो भर जाता है, तो उसके बाद देखिए कितना गंदा हो जाता है। तो साफ सफाई चल रही है, और दूसरी तरफ रणजीत और रूप सिंह है वो खाद दे रहे हैं मूंगफली में, कि अभी ज़्यादा बारिश के कारण मूंगफली में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसी वजह से ये खाद दिया जाता है। तो अभी रूप सिंह और रणजीत दोनों ये काम कर रहे हैं, विजय कुएं को साफ कर रहे हैं। अभी रणजीत तो थोड़ी देर डालेगा, फिर बाद में वो थक जाएगा, क्योंकि 2 दिन तक हमारे गांव में बस नहीं आने वाली थी, तो रणजीत को फिर से 2 दिन की छुट्टी हो गई है कॉलेज में, तो अभी इसी वजह से घर पे है। हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि अगर बस ना आए तो स्टूडेंट को घर पे रहना पड़ता है। अभी हमारे भोलीराम को आया हुआ है ताव यानी कि बुखार, तो अभी उठ नहीं रहा है खाने के लिए भी, और दवाइयाँ भी पिलानी है मुझे। बोले थोड़ा खाना खा लो, अभी 9:30 बजे तो बुखार में भी टाइम देखा जाता है। बोले कितने बजे खाऊंगा, खा लो ना बटू, यही बोले। ठीक है।